फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ही बैटर से वेनिला कपकेक्स एंड चॉकलेट कपकेक्स। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, इसको मैंने नॉर्मल जो वाइट शुगर होती है उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया एकदम पाउडर जितना, और फिर इसको मैंने छान लिया है। 3/4 कप ताजा छाछ, 1/4 कप तेल, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। वेनिला कपकेक्स की आइसिंग के लिए हम ले रहे हैं वेनिला बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, जो कि हमारे पास येलो कलर की है। आप चाहे तो एकदम सिंपल ले सकते हैं या और कोई कलर जो आपको पसंद है उस कलर की भी ले सकते हैं। चॉकलेट कपकेक्स के लिए हमें एक्स्ट्रा में चाहिए 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चोको चिप्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, वेनिला बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग और चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डेकोरेशन के लिए थोड़े से चोको चिप्स और थोड़ी सी कलरफुल स्टार्स और सिल्वर बॉल्स। तो आज हम कपकेक्स बनाने के लिए माइक्रोवेव यूज नहीं करेंगे, इडली कुकर यूज करेंगे, जो कि नॉर्मली हर घर में मिल जाता है। तो इसमें से हम ये जो इडली स्टैंड है इसको निकाल देंगे, केवल बाहर का ये जो कुकर है वो यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह का स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरह की कोई भी कटोरी यूं उल्टी करके आप इसमें नीचे रख सकते हैं। अब इसे ढककर और हम गैस ऑन कर देंगे और इसे लो फ्लेम में रख देंगे प्री हीट होने के लिए। तब तक हम कपकेक्स का बैटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को मेजर करें। तो इस तरह के मार्केट में मेजरिंग कप्स आते हैं, तो आप इस तरह से कोई भी जैसे चीज ले रहे हैं, जैसे मैदा ले रहे हैं, तो उसको यूं लेके और बस इस तरह से यूं करके और यूं मापे। ऐसा नहीं कि आप इसको यूं दबा दबा के पूरा ऊपर तक यूं भर रहे हैं, इस तरह से ना भरे, बस ऐसे खुला सा यूं ले और बस यूं कर दे बस, और ये इसका माप है। तो इसी तरह से हम सारी चीजों को मेजर करेंगे। और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप एक कप फिक्स कर लीजिए और उसी से सारे माप लीजिए। अब सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें इस तरह से एक छलनी लगा देंगे और सबसे पहले डालेंगे हम मैदा। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम छान लेंगे। हम छानते इसलिए हैं क्योंकि पड़े पड़े इनमें गठाने आ जाती है, तो इस तरह से छानने से इसकी जो सारी गठाने हैं वो निकल जाएगी। तो ये हमने पूरा छान लिया है, अब इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे बटर मिल्क, अब इसे विस्क की मदद से पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको वेनिला फ्लेवर के कपकेक्स की जगह किसी और फ्लेवर के कपकेक्स बनाने हो तो आप उसमें उस फ्लेवर का एसेंस डाल दीजिए, जैसे बटर स्कॉच हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, तो उस फ्लेवर के कपकेक्स बन जाएंगे। लगभग 2 मिनट तक हम इसको इस तरह से फेटेंगे। तो ये हो गया है, अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
तो अभी हमने बैटर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से से हम बनाएंगे वेनिला कपकेक्स और एक हिस्से से हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक्स। चॉकलेट कपकेक्स बनाने के लिए जो हमने एक हिस्सा है उसमें हम क्या करेंगे, ये डालेंगे कोको पाउडर, उसको हम छान लेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये चोको चिप्स और इन्हें भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और बस तैयार हो गया है हमारा चॉकलेट कपकेक्स का बैटर। ये देखिए हमने बटर पेपर के ऐसे सर्कल्स ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये आपका मोल्ड है तो आप इस पे इस तरह से उल्टा रखिए, इधर से इस तरह से पेंसिल से मार्क करके और इनको काट लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने काट लिए हैं और ये इस तरह के मोल्ड आप ले लीजिएगा कपकेक्स बनाने के लिए। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी छोटी सी कटोरी हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मोल्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस पर इस तरह से बटर पेपर लगा के और इस तरह से हम यूं इस पर प्रेस कर देंगे। और देखिए अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ये इस बिना बटर पेपर के भी बस ऑयल लगाकर भी इसमें बैटर डाल सकते हैं। और मार्केट पे रेडीमेड इस तरह के जो कपकेक्स रैपर्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे ये बना के और इसमें बैटर को भर दूंगी। एक मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से भरते हैं। ये इस तरह से अभी ऊपर उठा हुआ है लेकिन जब हम इसमें बैटर डालेंगे ना तो ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा। ऐसा पूरा मत भरिएगा, इसको थोड़ा सा खाली रहने दीजिएगा। और ये मैंने वनीला कपकेक्स का बैटर भरा है, इसी तरह से मैं चॉकलेट कपकेक्स का बैटर भी भर दूंगी। तो मैंने मोल्ड्स भर दिए हैं, इसमें तीन मोल्ड्स है चॉकलेट कपकेक्स के और तीन मोल्ड्स है वेनिला कपकेक्स के। तो ये जो बैटर है अभी बचा है तो इसमें मतलब वेनिला कपकेक के बैटर से हम लगभग 6 से 8 वेनिला कपकेक्स बना पाएंगे और चॉकलेट कपकेक के बैटर से हम उससे भी हम 6 से 8 कपकेक्स बना पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके मोल्ड का साइज कितना है। तो अभी हमारा इडली कुकर प्री हीट हो गया है तो अभी इसका ढक्कन हटाकर और इसमें हम एक ऐसे प्लेट रख देंगे। देखो ये बड़ा केयरफुली रखना, बहुत गर्म है तो आपका हाथ भी जल सकता है। अब हम इसमें रखेंगे ये मोल्ड्स, तो इसे ढककर हम रख देंगे और 15 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो एक बार हम चेक करेंगे। वाओ कितने अच्छे फूले हैं अभी, लेकिन ये हुए नहीं है, अभी हम इनको थोड़ी देर और रखेंगे, बंद करके अभी और रख देंगे। तो 10 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक बार हम चेक करेंगे इसे इस तरह से टूथपिक की सहायता से। तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन है। तो हमारे ये कपकेक्स रेडी हो गए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहीं पे इनको रहने देंगे, अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारा हाथ जल सकता है। तो 5 मिनट के लिए हम यहीं रहने देंगे, उसके बाद बाहर निकाल के हम इनको ठंडा कर लेंगे।
और गैस को बंद कर देंगे। तो ये सारे कपकेक्स ठंडे हो गए हैं। आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि मेरे कपकेक्स 25 मिनट में कुक हो गए, पर ये जरूरी नहीं है कि आपके भी 25 मिनट में हो। सबके कपकेक्स बेक होने में अलग अलग टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपने इन मोल्ड्स में कितना बैटर भरा है, आपके मोल्ड्स कितने बड़े हैं और आपने जो इडली कुकर को प्री हीट किया है वो कितना प्री हीट हुआ है, उसकी कितनी थिकनेस है कुकर की, तो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपके जो कपकेक्स हैं उनको बेक होने में कम टाइम भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपके कपकेक्स कुक होके रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको एक कप केक निकाल के बता देती हूँ। देखिए, और ये जो मैंने बटर पेपर लगाया था ना, तो इससे अच्छा लुक आ गया है इसमें। इसी तरह से हम सारे कपकेक्स निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने स्पंजी बने हैं। ये देखिए, दबाने पे वापस अपने शेप पे आ रहे हैं। अब हम इनकी पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले हम वैनिला कपकेक की पाइपिंग करते हैं। अब करते हैं चॉकलेट कपकेक की पाइपिंग। इसी तरह से हम सारे कपकेक्स की पाइपिंग कर देंगे। अब हम डालेंगे चोको चिप्स चॉकलेट कपकेक्स पे, थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स, वेनिला कपकेक पे, स्टार। इसी तरह से सबको डेकोरेट कर लेंगे। तो तैयार हो गए हैं वेनिला कपकेक्स एंड चॉकलेट कपकेक्स। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।